फ्रेंड्स क्या आपका बजट है 15,000 क्या 15,000 के अंडर भी के अच्छे सेल्फी कैमरे वाला स्मार्टफोन लेना चाहते हो तो इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर अंत तक देखना होगा फ्रेंड्स, क्योंकि आज की इस वीडियो में बताएंगे ऐसा 5 स्मार्टफोन जो आपको 15,000 के अंडर में देखने को मिल जाएगा और भी अच्छे सेल्फी कैमरे के साथ। तो 5 स्मार्टफोन के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को आपको फुल देखना होगा फ्रेंड्स। तो वीडियो को बीच में पसंद आता प्लीज लाइक जरूर कर देना। तो फ्रेंड्स चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। बात कर लेते फर्स्ट मोबाइल की तो रियलमी E1। इस मोबाइल में आपको 6.3 इंचेस का फुल HD प्लस LTPS IPS LCD 9G डिस्प्ले देखने को मिलेगा। इस मोबाइल में आपको 19:5:9 का एफ सी एड्रेस भी देखने को मिल जाएगा। इस मोबाइल में आपको 1080x2340 इनका डिस्प्ले रेजोल्यूशन देखने को मिलेगा। इस मोबाइल में आपको मीडिया टेक हीलियो P70 का चिपसेट देखने को मिलेगा जो कि ऑक्टाकोर 2.1 GHz में क्लॉक्ड है। इस मोबाइल में आपको एंड्रॉइड ऑडियो 8.1 देखने को मिलेगा। बात कर लेते हैं कैमरा की तो इस मोबाइल में आपको रियर में 13+2 MP कैमरा देखने को मिलेगा और फ्रंट में आपको 25 MP कैमरा देखने को मिलेगा। बात कर लेते हैं बैटरी की तो इस मोबाइल में आपको 3500 mAh का बैटरी देखने को मिलेगा। इस मोबाइल में आपको दो भरण में देखने को मिलेगा 3GB रैम के साथ 32GB स्टोरेज और 4GB रैम के साथ 64GB स्टोरेज। इस मोबाइल में आप एक्सपेंडेबल कर सकते हो 256GB तक। इस मोबाइल में आपको फिंगरप्रिंट सेंस के साथ फेस अनलॉक भी देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं मार्केट प्राइस की तो इस मोबाइल का मार्केट प्राइस 11,999 रुपये देखने को मिल जाएगा अमेजन में। बात करते हैं सेकंड मोबाइल की तो रेडमी नोट 6 प्रो। इस मोबाइल में आपको 6.2 इंचेस का फुल HD प्लस IPS LCD 9G डिस्प्ले देखने को मिलेगा। इस मोबाइल में आपको 19:9 का एफ सी एड्रेस भी देखने को मिल जाएगा। इस मोबाइल में आपको 1080x2280 का डिस्प्ले रेजोल्यूशन देखने को मिलेगा। बात कर लेते हैं प्रोसेसर की तो इस मोबाइल में आपको स्नैपड्रैगन का 636 का चिपसेट देखने को मिलेगा जो कि ऑक्टाकोर 1.8 GHz में क्लॉक्ड है। बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की तो इस मोबाइल में आपको एंड्रॉइड ऑडियो 8.1 देखने को मिलेगा। बात कर लेते हैं कैमरा की तो इस मोबाइल में आपको रियर में 12+5 MP कैमरा देखने को मिलेगा और फ्रंट में आपको 20+2 MP कैमरा देखने को मिलेगा। बात कर लेते हैं बैटरी की तो इस मोबाइल में आपको 4000 mAh का बैटरी देखने को मिलेगा। बात कर लेते हैं स्टोरेज और रैम की तो इस मोबाइल में आपको 4GB रैम के साथ 64GB स्टोरेज देखने को मिलेगा और 6GB रैम के साथ 64GB स्टोरेज देखने को मिलेगा। बात कर लेते हैं एक्सपेंडेबल मेमोरी की तो इस मोबाइल में आपको 256GB तक एक्सपेंडेबल कर सकते हो। इस मोबाइल में आपको फिंगरप्रिंट सेंस के साथ फेस अनलॉक भी देखने को मिल जाएगा। बात कर लेते हैं मार्केट प्राइस की तो इस मोबाइल का मार्केट प्राइस 13,999 रुपये भी देखने को मिल जाएगा फ्लिपकार्ट में। बात कर लेते हैं नंबर 3 मोबाइल की तो रेडमी नोट 5 प्रो। इस मोबाइल में आपको 5.9 इंचेस का फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगा। इस मोबाइल में आपको 19:9 का एफ सी एड्रेस देखने को मिलेगा। इस मोबाइल में आपको 1080x2160 का डिस्प्ले रेजोल्यूशन देखने को मिलेगा। बात कर लेते हैं प्रोसेसर की तो इस मोबाइल में आपको स्नैपड्रैगन का 636 का चिपसेट देखने को मिलेगा जो कि ऑक्टाकोर 1.8 GHz में क्लॉक्ड है। इस मोबाइल में आपको एंड्रॉइड नोगाट 7.1.2 देखने को मिलेगा जो कि अपडेट में ऑडियो आएगा। बात कर लेते हैं मोबाइल के कैमरा की तो इस मोबाइल में आपको रियर में 12+5 MP कैमरा देखने को मिलेगा और फ्रंट में आपको 20 MP कैमरा देखने को मिलेगा। बात कर लेते हैं मोबाइल की बैटरी की तो इस मोबाइल में आपको 4000 mAh बैटरी देखने को मिलेगा जो कि फास्ट चार्जिंग के साथ आता है। बात करते हैं स्टोरेज और रैम की तो ये मोबाइल आपको दो भरण में देखने को मिलेगा 4GB रैम के साथ 64GB स्टोरेज और 6GB रैम के साथ 64GB स्टोरेज। आप एक्सपेंडेबल कर सकते हो 128GB तक। इस मोबाइल में आपको रियर में फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा और भी फेस अनलॉक के साथ। इस मोबाइल की मार्केट प्राइस के बारे में बात करें तो आपको इस मोबाइल में आपको 13,999 रुपये देखने को मिल जाएगा फ्लिपकार्ट में। बात करते हैं नंबर 4 मोबाइल की तो जियोनी A1 प्लस। इस मोबाइल में आपको 6 इंचेस का फुल HD IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगा। इस मोबाइल में आपको 19:9 का एफ सी एड्रेस भी देखने को मिल जाएगा। इस मोबाइल में आपको 1080x1920 का डिस्प्ले रेजोल्यूशन देखने को मिलेगा। इस मोबाइल में आपको मीडिया टेक हीलियो P25 का चिपसेट देखने को मिलेगा जो कि ऑक्टाकोर 2.6 GHz में क्लॉक्ड है। इस मोबाइल में आपको एंड्रॉइड नोगाट 7.0 देखने को मिलेगा। बात कर लेते हैं कैमरा की तो इस मोबाइल में आपको रियर में 13+5 MP कैमरा देखने को मिलेगा और फ्रंट में आपको 20 MP कैमरा देखने को मिलेगा। इस मोबाइल में आपको 4550 mAh के साथ बैटरी देखने को मिलेगा जो कि फास्ट चार्जिंग के साथ आता है। ये मोबाइल आपको एक फ्रेम में देखने को मिलेगा 4GB रैम के साथ 64GB स्टोरेज। आप एक्सपेंडेबल कर सकते हो 256GB तक। इस मोबाइल में आपको फ्रंट में फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा। मोबाइल की मार्केट प्राइस के बारे में बात करते हैं मोबाइल आपको 12,999 रुपये देखने को मिल जाएगा फ्लिपकार्ट में। बात करते हैं नंबर 5 मोबाइल की तो वीवो V5S। इस मोबाइल में आपको 5.5 इंचेस का HD डिस्प्ले देखने को मिलेगा जो कि इस मोबाइल में आपको 18:9 का एफ सी एड्रेस भी देखने को मिल जाएगा। इस मोबाइल में आपको 720x1280 का डिस्प्ले रेजोल्यूशन देखने को मिलेगा। बात कर लेते हैं प्रोसेसर की तो इस मोबाइल में आपको मीडिया टेक MT6750 इनका चिपसेट देखने को मिलेगा जो कि ऑक्टाकोर 1.5 GHz में क्लॉक्ड है। इस मोबाइल में आपको एंड्रॉइड नोगाट 7 देखने को मिलेगा। इस मोबाइल में आपको
रियर में 13 मेगापिक्सल कैमरा देखने को मिलेगा और फ्रंट में आपको 20 मेगापिक्सल कैमरा देखने को मिलेगा। इस मॉल में आपको 3000 mAh का बैटरी भी देखने को मिल जाएगा। ये मॉल आपको एक फ्रेंड में देखने को मिलेगा। 4GB रैम के साथ 64GB स्टोरेज आप एक्सपेंडेबल कर सकते हो 256GB तक। इस मॉल में आपको फ्रंट में फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा और भी फेस अनलॉक के साथ। बात कर लेते हैं मार्केट प्राइस की, तो इस मॉल का मार्केट प्राइस 11,999 पे देखने को मिल जाएगा फ्लिपकार्ट में। तो फ्रेंड्स ये था टॉप 5 सेल्फी कैमरा स्मार्टफोन अंडर 15,000। ये 5 स्मार्टफोन में से आपको कौन सा माल बेहतर लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर इस वीडियो में मैंने कुछ गलत बोला हो तो वो भी कमेंट करके जरूर बताना। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। चैनल को सब्सक्राइब करें बिना कहीं मत जाना।